नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है धन राशि के लिए फरवरी 2015 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में जो चल रहे हैं राशि से दूसरे स्थान में। धन स्थान में सूर्य का भ्रमण वैसे तो शुभ माना गया है, लेकिन खास करके आपको वाणी में संयम बरतना होगा कुटुंब के अंदर। 13 फरवरी 2015 के बाद सूर्य चलेंगे राशि से तीसरे स्थान में, तो ये भ्रमण आपके लिए शुभ रहने वाला है, साहस में वृद्धि करने वाला है। बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में जो आपके राशि के अधिपति हैं, वो चल रहे राशि से अष्टम स्थान में, जिसके कारण थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करवाएंगे, आत्मविश्वास का अभाव रहेगा। लेकिन गुरु उच्च राशि में है, जिसके कारण आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आंखों की विशेष केयर करें इस मंथ के दौरान, क्योंकि जो धनस्थान में सूर्य है वो शनि महाराज की दृष्टि में है। बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल जो है वो 12 फरवरी तक चल रहे हैं राशि से तीसरे स्थान में, जो आपके लिए शुभ है, पराक्रम में साहस में वृद्धि करने वाले हैं। 12 फरवरी के बाद मंगल चलेंगे राशि से चतुर्थ स्थान में, तो मंगल जो है वो आपको खास करके दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ टेंशन उग्रता ना हो जाए, माता एवं पिता के साथ रिलेशनशिप में विशेष क्या करना पड़ेगा। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, उसका विशेष केयर करना पड़ेगा आपको 12 फरवरी के बाद। शुक्र चलेंगे आपकी राशि से तीसरे स्थान में, तो ये शुभ है आपके लिए, साहस में वृद्धि करने वाले हैं। और डेट सबको केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 2, 3 और 4, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कर्क राशि में, तो कर्क के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है, कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। और डेट सबको केयर करना है 12, 13 और 14, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि में, वृश्चिक के जो चंद्र हैं वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में भी कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना है। यदि आपके कोई मित्र हैं धन राशि वाले, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करिए, कमेंट्स करिए चैनल पर, कमेंट्स करिए वीडियो पर। जो भी जातक का जन्मदिन आता है इस मंथ के अंदर, उनको हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।